हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री डेली से वन शॉट वन क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नीट 2023 का, जो कि पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से। तो क्वेश्चन है, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी कि इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है, कौन सा मॉलिक्यूल या आयन। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के अनुसार एसिड वो होता है जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। ओके, लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग एसिड कहते हैं, और बेस वो होता है जो कि लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर होता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से जो भी लोन पेयर एक्सेप्टर होगा उसे हम एसिड कहेंगे। अब लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, जो कि डिफिशियंट होगा। ओके, जो कि क्या होगा, डिफिशियंट स्पेसीज होगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले H2O, देखिए H2O के पास पूरी तरह से जो है आप देख रहे हैं दो दो लोन पेयर है, तो इसके पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है। जबकि अगर आप BF3 की बात करते हैं तो हम जानते हैं ये बोरॉन 3-फ्लोरीन के साथ अटैच है। आप आसानी के साथ साथ देख सकते हैं इसे, यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल कितने इसके बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में देखिए यहाँ पे आप टोटल कितना है, कंप्लीटली यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही है आफ्टर बॉन्डिंग, यानी कि ये ऑक्टेट डिफिशियंट है। तो आपका BF3 इज राइट आंसर। चलिए OH- और NH3 को भी चेक करते हैं, तो NH3 के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। ओके, जस्ट OH- की बात करें तो इसके पास भी जो निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। तो लोन पेयर जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए और वही एसिड होगा। अगर ये बेस के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछा जाता तो हम देखते कि लोन पेयर डोनर कौन है, और लोन पेयर डोनर वो होता जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OH- NH3 और H2O ये सारे क्या है आपको इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमारा सही आंसर क्या है, BF3। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट। थैंक यू।